कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज़ होता है HDD और SSD स्टोरेज में से सबसे अच्छा स्टोरेज कौन सा है? दोनों के बीच में आज हम कंपेयर करेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे आपको। ओके, कौन सा बेहतर स्टोरेज है जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए, नए है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज HDD, क्या है HDD। ओके, HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस, इट इंक्लूड्स मूविंग पार्ट्स। ओके, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं, घूमते हैं। ओके, इट मूव्स 5400 RPM एंड 7200 RPM। ये 5000, 6000, 7000, 8000 RPM तक घूमता है ये मूविंग पार्ट्स। ओके, इट इंक्लूड्स रिवॉल्विंग हेड, इसमें एक रिवॉल्विंग हेड होता है। एडवांटेजेस ऑफ HDD। ओके, एडवांटेजेस देखिए HDD का क्या क्या है। चीप और लो कॉस्ट। ओके, ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। ओके, लार्ज कैपेसिटी अवेलेबल, इसमें आपको लार्ज कैपेसिटी अवेलेबल में मिलेगा, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 8 TB तक आपको मिल जाएगा। इजीली अवेलेबल। ओके, ये आपको किसी भी कंप्यूटर के शॉप में आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ HDD। ओके, क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ HDD। पहले जो है लाइफ स्पैन एंड रिलायबिलिटी। ओके, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 साल मैक्सिमम ये चलेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं। डैमेज, ये डैमेज होने का चांस भी बहुत रहता है। कुछ कुछ पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो डाटा है, जो स्टोर किया रखा हुआ डाटा होगा, वो भी लैपटॉप बाई चांस आपके हाथ से गिर जाएगा तो डैमेज हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। रिक्वायर्स मोर पावर, इसमें आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पावर कंजम्पशन करता है, लैपटॉप का बैटरी बैकअप कम हो सकता है। लेस स्पीड, इसमें आपको प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो लेस मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। व्हाट इज SSD। ओके, अभी बात करेंगे SSD के बारे में। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें कोई मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM में किया जाता है, वैसे ही इसको बनाया जाता है। इट इंक्लूड्स नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता या मैकेनिकल डिवाइस नहीं होता, ये फिक्स्ड स्टोरेज है। एडवांटेजेस ऑफ SSD, वेरी हाई स्पीड, ये बहुत स्पीड है, मतलब प्रोसेसिंग के मामले में ये बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है। रेसिस्टेंट टू शॉक्स, ये हाथ से, मतलब आपका लैपटॉप हाथ से गिर भी जाए और यही स्टोरेज लगा हुआ है तो आपका डाटा लॉस्ट होने का चांस बहुत कम है और स्टोरेज भी डैमेज होने का चांस बहुत कम है। लो पावर कंजम्पशन, इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं होता, इसलिए फिक्स्ड है, इसलिए ये लो पावर कंज्यूम करता है और आपका बैटरी का बैकअप जो है, लैपटॉप का बैटरी का बैकअप ये बढ़ जाता है। लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसमें आपको लाइफ स्पैन ज़्यादा मिलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ये आराम से चल जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ SSD, कॉस्ट इज हाई, इसमें आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, बहुत कॉस्टली है, 1 TB का SSD में लैपटॉप आ जाएगा, इतना कॉस्टली है। लेस स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें आपको लेस स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगा। ओके, 256 GB, 500 GB, 1 TB तक आपको मैक्सिमम मिलेगा।
आई थिंक आपको दोनों के बीच कंपेयर मालूम चल गया होगा और दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपको मालूम चल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।